हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं हूँ शिवांगी, आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर 15 डेज की रीडिंग। ओके, सो नेक्स्ट 15 डेज आपकी करंट सिचुएशन क्या है और डिवाइन आपको क्या गाइडलाइन दे रहा है, इसी इसमें यही रीडिंग रहेगी। ओके, और आपके रिलेशनशिप के लिए भी। ओके, लाइक दिस। सो गाइज, आप मून साइन सन साइन से रीडिंग देख सकते हैं, आपसे रेजोनेट होता है तो रखिएगा। ओके, सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर चार्जेस पता चल जाएंगे, आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कैंसर, सबसे पहले आपकी एनर्जी, करंट एनर्जी करियर के लिए। ओके, द एम्परर, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर तो द एम्परर की। सो पॉजिटिव जा रहे हो, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, यानी आपका यहाँ पर ग्रोथ जा रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेंटिकल्स लेकर बैठे हो कैंसर आप। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है कैंसर, करियर में ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, अपने रूल्स रेगुलेशंस, या शायद आपका कुछ मंथ पहले शायद ऐसे हो सकता है कि प्रमोशन हुआ है, इस तरह की भी एनर्जी है, या प्रमोशन होने के बहुत चांसेस आपके पास में हैं। ओके, आपका बिजनेस ग्रोथ की तरफ जा रहा है, मे बी आपका गोल्ड का बिजनेस हो सकता है किसी का, यहाँ पर इस तरह भी एनर्जी है। टेम्परर को क्लैरिफाई करते हैं, अगेन पेंटिकल, ओ माय गॉड। ओके, द मून और द डेविल, सो यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है एक्चुअल में। और यहाँ पर सी, आपको ऐसे लग रहा है कि आपके हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी या आपके करियर में समबडी, ओके, इंटरफेयर कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है आपके करियर में। ओके, सो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन है, उसका पूरी तरह ध्यान आपके ग्रोथ पर आ रहा है, आपके मनी पर आ रहा है। सो प्लीज़ यहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है, या शायद आपको ऐसे लग रहा होगा कि एक टॉक्सिक एनर्जी आपके साथ में चल रही है, यानी देखो ग्रोथ की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे हो, या ग्रोथ यानी आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होते जा रहा है, सब कुछ स्ट्रांग होते जा रहा है, आप रूल्स रेगुलेशन से बहुत अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं, बट ये जो थर्ड पार्टी इंटरफेयर कर रही है आपके इसमें, या आपको बेचैन कर रही है, ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है। ओके, मे बी आपको टॉक्सिक एनर्जी, या आपका ओरा क्लीन नहीं है। ओके, तो आप ओरा क्लीन कीजिए, क्योंकि निगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आपके तरफ आ रहा है। ओके, आप अपने तरीके से उसको ले सकते हैं, एक निगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आपके तरफ आ रहा है, और उसको समझिए और जानिए। ओके, आपका ओरा क्लीन रखिए, ज़्यादातर ज़्यादा क्लीन रखिए, धूप बत्ती लगाइए जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो, आपके वर्क प्लेस पर। ओके, सो इस तरह से कर सकते हो, जिसके वजह से देखो आप जा तो रहे हो ग्रोथ के तरफ, बट एक नर्वसनेस या ऑन ऑफ की अगर एनर्जी आपके बीच में चल रही है, तो ये डेफिनेटली 100% एक टॉक्सिक एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी है। ओके, सो प्लीज़ अपने आप को, अपना केयर रखिएगा, और अपने आप को उस तरह से चेंजेस में लाइए, किसी भी पर्सन को आपके लाइफ में इंटरफेयर मत करने दीजिए, ना आपके बिजनेस में, ना आपके जो भी आप करियर या कोई भी सेल्फ ओपन कर रहे हो। ओके, सेल्फ एम्प्लॉय होंगे आप, सो प्लीज़ किसी का ना मानिए, आपकी इंट्यूशंस अपने आप को फॉलो कीजिए। ओके, वो पर्सन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, या वो पर्सन आपको सही गाइडलाइन नहीं दे रहा है। ओके, बात को समझिए, अगर आपसे ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ अलर्ट रहिए। ओके, और ना ही किसी को आप बहुत ज़्यादा पेमेंट दीजिए। ओके, कि मैं तुम्हारा सब कुछ अच्छा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जी नहीं, आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में ना फंसे। ओके, सो आपका जो भी चल रहा है उसमें आप अपने आप को पूरा क्लीन रखिए। ओके, करंट सिचुएशन में अगर कोई आपको ऐसे कर रहा होगा तो ठीक है।
या आपके इसमें दूसरों की बात ना माने या कोई भी ऐसी स्टबन की एनर्जी ना रखे, आप वही सही डेविल आया है। ओके, सो ये डेविल जो है ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है, यानी ये डेविल टर्न होके यहाँ पर जाने वाला है, यानी पॉजिटिव के तरफ टर्न होने वाली है ये एनर्जी नेक्स्ट 15 डेज में। ओके, अपने आप को पहले आप अपने आप को स्टक महसूस ना करें। ओके, अपने आप को पॉजिटिव के तरफ लेकर जाइए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सो प्लीज़, यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, बट हम कहते हैं ना किसी की नज़र लग जाना या कुछ। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, सो वो निकल जाएगी। आप थोड़ा सा वहाँ पर अलर्ट रहिए, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में आप ओरा कैसे क्लीन कर सकते हैं, हाउ टू क्लीन योर ओरा, सो वो वीडियोस मैंने डाले हैं, आप देखिए और उसको उस रिचर्स को फॉलो कीजिए, आपका ओरा क्लीन होते जाएगा और वो हरदम के लिए करना है। ओके, सो आपको एक नया रास्ता, नया रास्ता आपके तरफ आ रहा है। सो आपके तरफ एक पाथवे आ रहा है, एक न्यू पाथवे आ रहा है, एक नया डायरेक्शन आ रहा है, तो उसके तरफ आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कैंसर। और एक गिफ्ट भी आ रहा है, जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस बोल रही हूँ, तो आपके करियर में मैंने कहा ना प्रमोशन, मे बी प्रमोशन हो सकता है, नया कुछ हो सकता है। आपको उसके तरफ ध्यान देना है, ना कि किसी और की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ अलर्ट रहना है आपको। सो आपके तरफ गिफ्ट आ रहा है और आपको ये गिफ्ट लेना ही है। सो प्रमोशन जो भी आ रहा है, सो गाइस एक अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके तरफ आ रहा है। यहाँ पर कोर्टशिप भी है, सो यहाँ पर मे भी आपको कोई एक सपोर्टिव हैंड शायद आपको एज अ पार्टनर कह सकते हैं बिजनेस में या करियर में जो भी है। सो करियर से रिलेटेड है, तो करियर से रिलेटेड आपको कोई सपोर्टिव हैंड प्रॉपर वे से जो आप सोच रहे थे तो वो आपको मिल सकता है। बट अभी जो है ये कोई तो भी यहाँ पर टॉक्सिक पर्सन है या कोई तो भी है जो आपको नर्वस करते जा रहा है। सो प्लीज़ वहाँ पर अलर्ट रहिए। थैंक यू सो मच। सो हम यहाँ पर चलते हैं गाइस कि आपके रिलेशनशिप के लिए। सो कैंसर आपके रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर, सो नेक्स्ट 15 डेज में आपके करियर में और ग्रोथ होने वाली है रिलेशनशिप के लिए कैंसर के। थैंक यू सो मच। एट ऑफ पेंटिकल्स, सो कैंसर एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो पॉजिटिव एनर्जी है। देखा जाए पूरी यहाँ पर पॉजिटिव एफर्ट्स तो डाल रहे हो, नया कुछ सोच रहे हो या न्यू रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है। आप वर्क करना चाहते हो, मे बी आप उनको टेक्स्ट भेज रहे हो या उनको मेल भेज रहे हो, समथिंग यहाँ पर मैसेजिंग आप कर रहे हो। सो इस तरह की एनर्जी है और आप इसको सीरियसली लेते जा रहे हो धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को। एट ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई द एट ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू सो मच। या व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल एंड एट ऑफ कप्स। सो यहाँ पर गाइस इस तरह एनर्जी आ रही है कि आप यहाँ पर रिलेशनशिप को फ्रेश एनर्जी न्यू रिलेशनशिप के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। आप पास्ट का आई थिंक पास्ट आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया है, अपनी इमोशंस या फीलिंग्स आप बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हो, बट यस डेफिनेटली आप यहाँ पर एक नई न्यू रिलेशनशिप को आप टैपिंग कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है और आपको पता है कि यस आज नहीं तो कल कभी ना कभी क्लियरिटी मिलते जाएगी और आप अपनी इमोशंस को ज़रूर वहाँ पर एक्सप्रेस करोगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप इस रिलेशन को या इस पर्सन को आप एज अ सोलमेट मानते जा रहे हो, एक बेस्ट सोलमेट। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। सो नेक्स्ट 15 डेज में आपके रिलेशनशिप में कैंसर। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर जो भी है कि नेक्स्ट 15 डेज में आपको यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इस तरह से वर्क करना है आपको
कि पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है और आपको अपनी पर्सनालिटी या अपने आप में चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से मेंटेन करने के लिए। ओके, चाहे आपकी वो जो भी हो, आपका अपीयरेंस हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल हो, आपकी ड्रेस सेंस हो, ओके, जो भी हो, ओके, आपके आपका प्रिटी लुक हो, वॉट एवर, सो आपको वो उधर थोड़ा सा अपने अपीयरेंस की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सो यहाँ पर वेल्दी मैन का कार्ड नीचे गिरा था। ओके, सो वेल्दी मैन, ओके, मैंने कहा ना यहाँ पर आपको आपका लुक्स चेंज करने की ज़रूरत रहेगी। ये जो भी है, आप अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट कीजिए कि आप, क्योंकि आप वैसे भी करियर में सक्सेस हो, कैंसर वैसे भी आपका बहुत अच्छे से चल रहा है। ओके, सो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से अपने आप को यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो नेक्स्ट 15 डेज आप कम्प्लीटली अपने आप को बहुत अच्छे से, वाई गॉड सडनली वेल्थ, ओके, आई डोंट नो, यहाँ पर है, यहाँ पर मैरिज का भी कार्ड है और यहाँ पर है कि लेबर का भी कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर फ्यूचर अपना मैरिज ब्यूटीफुल अपने सोलमेट के साथ में ज़रूर करोगे और यहाँ पर सडनली वेल्थ, मैंने कहा था ना यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है, बहुत सारा वेल्थ, यानी आपके साथ में वेल्थ हेल्थ सब कुछ आ रहा है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको वर्क बहुत हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, ये एनर्जी है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा दोनों भी, इसमें करियर में भी है और रिलेशनशिप में भी है, कि आपको थोड़ा और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर है। सो यहाँ पर देखते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडलाइन। द यूनिवर्स हैज़ बीन द जेंटली लीडिंग यू फॉरवर्डिंग बाय रिवेलिंग टू योर साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी। सो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको साइंस मिलते जाएंगे, एंजल्स नंबर दिखेंगे या आपकी सिंक्रोनिसिटी आपको महसूस होगी कि आप जो बोल रहे हो शायद वो आपके साथ में दो चार दिन में हो रहा है। ओके, या खुद आप एक्शन में ला रहे हो, इस तरह भी हो सकता है। ओके, सो अपने इनर वर्ल्ड को यहाँ पर और पॉजिटिव बनाइए, बहुत अच्छे एनर्जी में जा रहे हो कैंसर। योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। जैसे जैसे आप आपका इनर वर्ल्ड और बढ़ाते जाओगे, बहुत अच्छा करते जाओगे, डेफिनेटली आप अपना एक्सटर्नल वर्ल्ड भी बहुत अच्छे से लेकर जाओगे। ओके, सो यहाँ पर इस तरह से एनर्जी है। ओके, सो अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, अपने हेल्थ, अपने करियर, अपने रिलेशन, जो भी आपको पॉजिटिव लग रहा है यहाँ पर पॉजिटिव के तरफ जाइए, ना कि नर्वसनेस। अगर कोई थॉट्स आ रहे होंगे आपको पास्ट लाइफ के होंगे, वो कि पास्ट लाइफ से आप उसको अटैच कर रहे होंगे कि शायद पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ था तो शायद अभी भी ऐसे होगा, तो नहीं, पास्ट को पास्ट होता है और फ्यूचर फ्यूचर होता है। सो इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कीजिए और पॉजिटिव के साथ में आगे बढ़िए। ओके, सो गाइज, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, जिनके साथ रेजोनेट होती है उन्होंने ज़रूर रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।